हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज वो बड़ा दिन है जिसके लिए ऑलमोस्ट एक साल से इंतज़ार कर रहे थे, वो है वैक्सीनेशन डे। कोविड का वैक्सीन लेना है आज। और ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी तरक्की मैं कहूँगा अभी तक की, कि पूरे दुनिया में हमारे पास वो वैक्सीन पहली बार है और हमारा इंडिया उसको पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। बहुत सारे देशों ने भी डेवलप की है, बट अपनी वैक्सीन ज़्यादा सेफ है ऐसा कहा जाता है। सो लेट्स सी, जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए फिर, और चलना है तो बाइक पे जाएंगे आज, तो थोड़ा मज़ा आएगा। और दोपहर के बजे अभी 2 और धूप बढ़ते जा रही है। टाइमिंग दोपहर का ही लेना पड़ा क्योंकि क्लिनिक के बाद जाना था और बीच का टाइम पॉसिबल नहीं होता है। सो क्लिनिक के बाद का ही बीच का टाइम ले लिया क्योंकि शाम को वापस क्लिनिक पहुंचना है। सो उससे पहले वैक्सीन लेके मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, बस यही दुआ है। बहुत सारे उसके रूमर्स है वैक्सीन्स के बारे में, सो आज वो सारे क्लियरिफाई हो जाएंगे और हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे ही। तो अभी फटाफट पहुंचना ज़रूरी है। हाँ, और वैक्सीन लेने कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो वैक्सीन लेने जा रहा हूँ मुंबई में घाटकोपर के पास एक बीएमसी का हॉस्पिटल है, इट्स राजावाड़ी हॉस्पिटल। सो वहाँ पे कोविड केयर सेंटर है, तो उसी सेंटर में वैक्सीन सेंटर भी उन्होंने चालू कर दिया है। सो हमारे पवैया आसपास का जितना एरिया है वहाँ के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वहीं पर वैक्सीन के लिए जाना पड़ेगा। सो लेट्स होप फॉर द गुड। इंडिया में कोविड वैक्सीन का जो इन्वेंशन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुआ है, पुणे में जो है, और इसके जो सीईओ है अदर पुणे वाला, उनकी जो ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पे अपनी वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ है। इसका नाम है कोविशील्ड और वही वैक्सीन आज हमें लगने वाली है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दी जाएगी। सो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे देशों में ये वैक्सीन अभी तक फ्री नहीं की गई है। सो आई एम लकी टू बी एन इंडियन कि मुझे इंडिया में ये वैक्सीन फ्री में मिल रही है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट। और मार्केट में इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 तक होने वाला है जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा उसके बाद। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक प्रॉपर पता नहीं है, बट कुछ लोग जिन्होंने ये वैक्सीन ली है वो कहते हैं कि थोड़ा फीवरिश होता है, थोड़ा सा तकलीफ थोड़ी बहुत होती है, बट होप सो सबको नहीं हो रही है, देर आर फ्यू पीपल उन्हीं को हो रही है। सो होप सो ये मुझे ना हो ये तकलीफ। आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट, सो लेट्स गो एंड टेक इट। वी रीच्ड एट राजावाड़ी हॉस्पिटल और ये है हॉस्पिटल की बिल्डिंग। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या क्या है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ मैं बढ़ रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, क्योंकि डॉक्टर हूँ यार, फिर भी थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। और सेंटर बहुत ही बड़ा सेंटर था वहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन काउंटर सामने ही रखा गया था। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने में वहाँ पे पहुँचा तब पता चला कि मेरा नाम ही रजिस्ट्रेशन में नहीं है और मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ओके गाइस, तो आपने लास्ट में देखा ही होगा कि राजावाड़ी में जब गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कुछ इशू हो गया और हमारा नाम, मतलब मेरा नाम वहाँ पे था ही नहीं रजिस्ट्रेशन में, जबकि मैंने 15-20 दिन पहले वहाँ पे रजिस्टर कराया था। ठीक है, नहीं हो पाया वहाँ पे, बट फाइनली जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया, वैक्सीनेशन देना चालू कर दिया, तो मैंने अपना नाम प्राइवेट हॉस्पिटल में डाल दिया एज अ हेल्थ केयर वर्कर। और मैं मेरी मॉम को भी लेके जा रहा हूँ आज वैक्सीनेशन के लिए, सो एज अ सीनियर सिटीजन। सो लेट्स गो टू द सपना हॉस्पिटल घाटकोपर, वहाँ पे जाके ही मैं अपना पहला डोज लूँगा वैक्सीनेशन का। सो लेट्स गो, विल टेक द वैक्सीनेशन नाउ। सपना हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है घाटकोपर में, जो श्रेयस सिनेमा के पास है, उसी के 5th फ्लोर पे वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा था। वहाँ पे एक अच्छा सा रजिस्ट्रेशन काउंटर था जहाँ पे आपको सारी इन्फो दी जाती है, फिर 250 रुपीज़ पे करके आपका आधार नंबर वो ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड में आपके सारे डिटेल्स होते हैं, फिर वैक्सीनेशन रूम में आपको आके प्रॉपरली वापस रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरा करना पड़ता है और उसके बाद आपको दी जाती है वैक्सीनेशन।
सो वैक्सीनेशन लेते टाइम दिल में बहुत डर तो लग रहा था, क्योंकि पेशेंट को इंजेक्शन देने की आदत है, कभी मुझे लेने की आदत नहीं है। फिर भी हिम्मत करके मैंने फाइनली वैक्सीन ले ली, एंड थैंक्स टू द नर्स जिसने मुझे बड़े प्यार से वो वैक्सीन लगाया, एंड मुझे दर्द नहीं हुआ थोड़ा भी, और मैं सेटिस्फाई फील कर रहा था आफ्टर दिस वैक्सीनेशन। थैंक यू सो मच स्टाफ ऑफ द सपना हॉस्पिटल, जिन्होंने बहुत ही प्यारी तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल की, प्रॉपर वे ऑफ वैक्सीनेशन किया, और फाइनली थैंक यू सो मच। म्हणजे भरपूर पाणी प्यायचं, फीवर किंवा हँड हात दुखला तर क्रोसिन गोळी खायची आणि आधातच बसायचं, त्यानंतरच जायचं। नाही काही नाही। थँक्यू, थँक्यू सो मच। थँक्यू सर। तो फाइनली वैक्सीनेशन हो गया है, फर्स्ट डोज मुझे मिल गया है, और मेरे साथ मैंने अपनी मॉम को भी फर्स्ट डोज दिला दी। मेरे डैड का फर्स्ट डोज लास्ट वीक ही हो गया था, सो अब मेरा और मेरे मॉम का भी हो गया, सो एज अ फैमिली वी आर सिक्योर्ड नाउ। तो कुछ नहीं, और एक वैक्सीनेशन के बाद एक आधा घंटा आपको वेट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, ताकि कोई इमीडिएट कोई रिएक्शन होती है सो दे कैन हैंडल इट, उसके बाद आप घर जा सकते हो। उन्होंने भी बताया, जैसे आपने देखा कि माइल्ड फीवर आ सकता है, तो उसके लिए नॉर्मल क्रोसिन गोली लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो गाइस फाइनली मेरा वैक्सीनेशन तो हो गया, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन मैंने ले लिया है। आप भी जल्द से जल्द जाके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवा लीजिए। अभी तो फिलहाल वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो 45 अबाव, जिनको कोमॉर्बिडिटी है यानी कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या किडनी की कोई बीमारी हो, तो और भी कोई बड़ी बीमारी हो, तो उन लोगों के लिए अभी वैक्सीनेशन हो रहा है जो 45 ईयर्स एंड अबाव हैं। 60 ईयर्स एंड अबाव वालों को तो वैसे भी वैक्सीनेशन कंपलसरी है, सो आप जाइए अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने माँ बाप का, आपके आजू बाजू में जो भी एल्डरली पीपल हैं उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। आपको वैक्सीनेशन करने के लिए आपको एक साइट दी जाती है, वो है kowin.in। इस साइट पर आपको जाना है, वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करवा के आपका नज़दीकी कोई भी सेंटर होगा उसको चूज़ करना है और फिर वैक्सीनेशन करवा लेना है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं मेरे जैसे, डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर जो भी है, उनके लिए आप डायरेक्टली सेंटर पे, कोई भी नज़दीकी सेंटर पे जाइए, अपना नाम बोलिए, अपना आइडेंटिटी बताइए, और अपना रजिस्ट्रेशन आप ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हो। तो गाइस अगर अपने को इस कोरोना से लड़ना है तो जल्द से जल्द हमें इस वैक्सीनेशन करवा के ही हम इससे लड़ सकते हैं। इस बीमारी को हम अपने देश से, अपने जगह से, अपने घर से हम जल्द से जल्द हटा सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।